लोग तो मैं जितना देख रहा हूँ, मैं जितना लोगों से मिलता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह सब एजुकेटेड हैं, समझदार हैं। मुझे तो बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है, बाकी मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं तो उम्मीद करता हूँ कि कामयाबी बहुत अच्छी तरीके से होगी। करके आपके पास ऐसे उम्मीदवार हैं जो कर सकें? पीके 41 की तरफ से तो आप हो गए जी, तो ये दूसरे जो हमारे हल्के हैं पीके 40 और इनके 15, ये आपके पास कोई उम्मीदवार है? बस यही उम्मीदवार तो कौन को पता है, मैं क्या बताऊंगा, बल्कि मेरा मेरे से ही तो मैं कह सकता हूँ कि उन्होंने लगते हैं मुझे छोड़ लिया है। बल्कि चलो आपकी बात छोड़ देते हैं ना। अच्छा आप भी छोड़ देते हैं, बीच के 40 और 41 की बात करते हैं। वो तो बस इसलिए आपके पास एमए 15 भी भी और वो उधर पीके 41 भी भी, लोग कहते हैं कि तरीक इंसाफ में जो भी आता है उम्मीदवार होता है और वो चार इंट की अपनी मस्जिद बनकर बनाकर वो लग जाता है। हम सारे कर्मों ने पीटीआई के और हम ग्रुपबंदी नहीं करेंगे, हम सोच से काम करेंगे इंशाल्लाह। ये हर जगह ये मसाइल हैं, हर पार्टी में ये मसाइल हैं, थोड़े बहुत हैं, लेकिन ये इतने नहीं हैं इंशाल्लाह। ये ऐसे टाइम जब आएगा और करीब ही है इंशाल्लाह, ये सारे मसले हल हो जाएंगे, कोई इतना नहीं है इंशाल्लाह। हमने ऐसे लोगों को आगे लाना है जो मुल्क और कौम के लिए कुछ कर सकें। उम्मीद तो ये है कि हमें अच्छे लोग मिल जाएंगे। तो प्राइवेटी का पैसा हमारे पास है, हाँ मसाइल की तरफ आते हैं, जो बुनियादी चीज़ है जी, रॉयल्टी का पैसा भी हमारे पास है, लेकिन इसके बावजूद हमारे इतने सारे मसाइल, पानी, बिजली, स्कूल, कॉलेज, कुछ पैसे से हल होने वाले, फंड से हल होने वाले और कुछ ऐसे हैं कि इसके लिए बजट की ज़रूरत है। तो इनके लिए आपने भी वो प्रोग्राम बनाया हुआ है कि किस तरह हल करेंगे इन मसाइल को? इंशाल्लाह मिसाल के तौर पर हम पानी का मसला ले लेते हैं जी। तो पानी का मसला तो हमारे जो मौजूदा प्रणाली सिंह जी है वो भी क्या है कि हम हल कर रहे हैं, वो सिर्फ जुबानी वाले करते हैं, और वो इंफिरादी सोच रखने वाले हैं, सिर्फ अपने फवायद देखते हैं। मैं तो जितना देखता हूँ, जितने हमारे एमएनए एमपीए आए, खुद एमएनए एमपीए साथ में खुद ठेकेदार भी है, हमारा ये इरादा नहीं है। हमने तो एक ट्रस्ट के थ्रू ये पैसा इन्वेस्ट करना है, री इन्वेस्ट करना है, इसमें लोगों को जॉब भी मिलेंगी, ये मसले भी हल होंगे। पैसा बहुत है, ये करक डिस्ट्रिक्ट के लिए बहुत काफ़ी है, मैं तो कहता हूँ कोई शिकायत कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इंशाल्लाह। ये प्रोग्राम फिलहाल आपके पास कोई नहीं है कि इस तरह हल करेंगे, हम प्रेशर पंप लगाएंगे, ट्यूबवेल लगाएंगे या हम नहर लाएंगे, कोई प्रोग्राम अभी आपने नहीं होगा? हमारा ये प्रोग्राम है कि ये प्रेशर पंप ट्यूबवेल वाली सियासत हम करते नहीं है, ना हमारा ये इरादा है। पूरा अगर हम पानी नहीं दे सकते, बिजली नहीं दे सकते, सिक्योरिटी नहीं दे सकते, एजुकेशन और हेल्थ के मसले हल नहीं कर सकते, फिर तो हम लीडर हैं ही नहीं, फिर तो हम इसके काबिल भी नहीं है। आज गवर्नमेंट स्कूल गहरे हुए हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, अस्पतालों में यही पोजीशन है, ये सिर्फ लीडरशिप की कमी है। अगर सही लीडर आया तो इंशाल्लाह ये सारे मसले हल हो सकते हैं, हर चीज़ का हल है। तो ये राज आप अभी से बताना नहीं चाहते कि किस तरह नहीं, वो तो हम इसके सेहत के कैसे हल करेंगे? हम ये अभी ये जो ब्रोशर पे काम कर रहे हैं, मैसेज जो दे रहे हैं, इंशाल्लाह इससे लोगों को तसल्ली हो जाएगी, जो हम राइटिंग दे रहे हैं लोगों को, इसके साथ इंशाल्लाह लोगों को तसल्ली हो जाएगी। और दूसरा ये है कि साहब ये साफ सुथरा आदमी का बहुत जल्द पता चल जाता है। अभी लोग क्यों ये 10 साल से चीख रहे हैं कि हमने गलती की, हम अक्सर गलती करते हैं, लेकिन इस दफा इंशाल्लाह कौम और आवाम गलती नहीं करेगी, उसे ही चुनाव करेगी। अभी कहने का मतलब ये है कि मौजूदा जो है ये साफ सुथरे नहीं है ये लोग? बस मैं किसी पे इतराज़ तो नहीं करता, लेकिन आवाम की ये आवाज़ है कि वो कहते हैं कि हम खुश नहीं हैं। मैं तो नया सियासत में निकला हूँ, मतलब और इस सोच से निकला हूँ कि इंशाल्लाह नहीं, ये इरादा है कि एक पैसा इनमें कमा लूँ, बल्कि कौम की खिदमत के लिए निकला हूँ, शायद बे और यतीम के काम आ सकूँ। ये मुफ्ती मोहम्मद रहमान ताज साहब, ये हमारे जो करीम के सवाल आ रहे हैं ना जी, उनके हवाले से बात कर रहा हूँ। ये मुख्य मुलामन था सर, आपके जो उनके वो हैं पार्टी के लीडर हैं, और कौन तो नहीं कह सकते,
اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ مفتی بھی ہیں ملا بھی ہیں خواتین نے اسلام آباد میں حرف پہنا ہے تو یہ تو ہمارے پشت اور اسلامی روایات کے خلاف بات ہے تو طریقہ صاف بات کرتی ہے تبدیلی کی تو کیا آپ لوگ یہ تبدیلی لانا چاہتے ہیں کہ خواتین ملا کو ہار پہنائیں مفتی محمد رحمان صاحب میرے لیے محترم ہیں کیونکہ مفتی کے عالم علم حاصل کر چکے ہیں یہ سوال تو آپ ان سے پوچھتے ہیں ابھی یہ صرف ذکر کون آئے ہیں لیڈر میں اسے نہیں کہہ سکتا اگر کل آدمی جوائن کرے اور آج وہ لیڈر بن جائے تو پھر تو مشکل ہو جائے گی ہر ایک آدمی کی زندگی بلکہ گھر کن کے ہم اس کو ویلکم کہتے ہیں باقی وہ خود مفتی ہیں یہ سوال آپ ان سے پوچھ لیں کہ آپ نے یہ کیسے ایکسیپٹ کیا اچھا تو اس کے بعد یہ مہتاب ترخب نہیں سکتا وہ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف تبدیلی کی بات کرتی ہے لیکن ان کے اپنے اتنے گروپ ہیں کہ ہر کوئی خود امیدوار بنا ہوا ہے تو جب وہ اپنے مسائل حل نہیں کر سکتے آپس میں مل کر کام نہیں کر سکتے تو دوسروں کا کیسے کریں خدا کی فضل سے یہ سارے ہمارے گھر کون ہیں یہ گرمی کی تنازعات ہوتے ہیں یہ معمولی معمولی ہیں یہ ہر ایک پارٹی میں ہیں چلے یہ سارے ہم ایک ساتھ چلیں گے وقت قریب ہے ہم ایک ہو جائیں گے یہ گروپ گروپ کوئی نہیں ہے یہ ہم سارے ہم بھائی ہیں اور ایک ہی سوچ ہے جب ویژن اور خیال ایک ہو تو اس میں انشاءاللہ یہ معاملات حل ہو سکتا حل ہو جاتے ہیں وہ تو ذاتی مفادات کا وہ الزام لگا رہے ہیں کہ یہ ذاتی وہ اپنے آپ کو خارجہ صاحب کو استعمال کر کے آپ بھی آگے آنا چاہتے ہیں اس وجہ سے یہ لگے گا بہرحال بعض آدمی کا جذبہ ہوتا ہے اور اپنے خیالات ہوتے ہیں لیکن سوچ سب کا یہی ہے اور سب انشاءاللہ عمران خان بھی کر کون ہے میں بھی ان کا کر کون ہوں تو انشاءاللہ ہم تبدیلی میں سب ایک ساتھ ہوں گے یہ عثمان سعید صدر پی ٹی آئی جہانگیری ان کے سوال ہے اس کو مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ڈسٹرکٹ صدر ریلیشن میں صدارت